हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 9 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है नींव की ईंट, जिसके लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। बच्चों, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने इस पाठ में नींव की ईंट का उदाहरण देकर बच्चों को निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। आज देश और समाज के लिए ऐसे युवा वर्ग की आवश्यकता है जो तारीफ के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए कर्म करें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ इस प्रकार है। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उन पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। भद्दापन का अर्थ होता है बदसूरती। जिया करते हैं हम कठोरता से भागते हैं, भद्दपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते अर्थात शुरू करते। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बर बस लोकलोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात आकर्षित करती है। लोकलोचनों का अर्थ होता है लोगों की दृष्टि। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली नींव बनी। क्यों? इस पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्थि नास्ति निर्भर करती है। अस्थि नास्ति का अर्थ होता है होना ना होना निर्भर करता है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेताशा जमीन पर आ गिरेगा। बच्चों, कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती है तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देगी। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी, पायदारी का अर्थ होता है मजबूती, उसकी नींव पर मुनहसिर होती है। मुनहसिर का मतलब होता है निर्भर। तो वाक्य का अर्थ इस तरह होगा, इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने